Good morning, kids. Hi, sir. How are you? I am. Thank you. आज देखो हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे मेंटल मैथ्स. अब देखो एक तो जो चीज होती है जो हम कॉपी में करके करते हैं, ठीक है, कॉपी में लिख के हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं. आज हमको कॉपी में लिख के नहीं करने, अब हमको दिमाग से करने हैं, ठीक है. अब दिमाग से देखो कैसे करने हैं. यहाँ पे देखो 80 में से हमने कितना घटाया, कितना है 35. तो कितना आया 45. तो 45 और 35 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80. कितना आएगा 80. वेरी गुड. अब देखो दूसरे वाले पे आते हैं. अब देखो यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 50 है. 75 में से हम कितना घटाएं कि 50 आ जाए. 25. वेरी गुड. कितना 25. और 50 और 25 को ऐड करके कितना आएगा 75. ठीक है. अब देखो 110 में हमने 60 घटाना है, यहाँ पर कितना आएगा. देखो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 111 नहीं 110. तो इसमें से इसको घटा के ये आएगा कितना है, ये 50. तो यहाँ पर 50 आएगा, ठीक है. अब देखो 320 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 200. नहीं कितना 200. और यहाँ पर भी कितना आएगा 200. मेरा तो ऐसे ही भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर है. अब देखो होता क्या है, जैसे हमने 27 में से कुछ घटाया, 27 में 15 घटाया हमने, कितना आएगा 27 में से 5 क्या 2 में से 1 क्या 1. अब देखो होता क्या है, जब हमने इसमें से इसको घटाया तो इतना आया, तो इन दोनों को जोड़ के भी इतना ही आता है. जो मतलब नीचे के जो दो होते हैं ना, 15 और 12 को जोड़ के 27 आएगा. देखो 15 और 12 जोड़ो 27 आया होता ही ना. तो मतलब जब हम दो संख्याओं को घटाएंगे, जब तीसरा आता है, तो उन नीचे के जो दो होते हैं उन संख्याओं को जोड़ के भी ऊपर वाला आता है, ठीक है. अब देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये सिर्फ दिमाग से बताना है सिर्फ क्या करना है. इंदु के पास एक 15 सेंटीमीटर की पेंसिल है, ठीक है, और ज्योति के पास 8 सेंटीमीटर की है, तो किसके पास लंबी है. इंदु के पास 15 है और ज्योति के पास 8. इंदु किसके पास है, इंदु. इंदु के पास क्या है, लंबी. अब कितनी लंबी है कैसे पता चलेगा, ऊपर एक की 15 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर है, 15 में से 8 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा. बताओ कितना आएगा, 15 में से 8 घटा के 7. तो उसके पास कितनी लंबी पेंसिल है, उससे 7 सेंटीमीटर लंबी. आज के पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट. 1 किलो नमक की थैली तुम लाए हो कभी, तुम नमक लेने जाते हो बाजार. हाँ जी. 1 किलो नमक की थैली कितने की आती है, 110. सस्ती आती है 20 रुपए की, कितने 20 रुपीज की. 1 किलोग्राम शुगर कितने की आती है, चीनी. 1 किलोग्राम शुगर आती है 40. शुगर महंगी आती है, शुगर महंगी होती है और नमक क्या होता है, सस्ता. अजय कुकड चपातीज इन 25 मिनट्स. अजय जो है एक बच्चा है, अजय वो क्या करता है, एक 25 इन 25 मिनट्स चपाती जो रोटियां बनाता है वो 25 मिनट्स में बनाता है. कितने 25 मिनट्स में चपातीज बनाता है. देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स. फिर उसके बाद वो दाल बनाता है 15 मिनट में दाल बनाता है. अब वो बोल रहे हैं कि उसे इन दोनों को मिलाकर बनाने में टोटल कितना टाइम लगा, कैसे करेंगे. हाँ जोड़ना है, जोड़ो 25 में से 15 जोड़ो फटाफट. 50. गलत. 5 5 10 एक कैरी 3 4 3 4 4. तो कितने लगे उसे टोटल, 40 मिनट्स, ठीक है. चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स इन 2 डेज. सी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर्स. अब देखो चंचल है कोई लड़की, वो क्या करती है, स्कूल की स्वेटरें बेचती है, ठीक है. तो अब पहले दिन उसने लाल कलर की, ब्लू कलर की और ग्रे कलर की स्वेटर्स बेची, ठीक है, रेड ब्लू और ग्रे. तो पहले दिन तो उसने बेची 38 रेड, 66 ब्लू और 74 ग्रे. दूसरे दिन उसने बेची 40 रेड, 23 ब्लू और 89 ग्रे. अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमने करने हैं. हाउ मनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 डेज. वो बोल रहे हैं कि उसने, चंचल ने ग्रे स्वेटर्स टोटल कितनी बेची, क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस को
ग्रे ग्रे देखो हाँ वेरी गुड इन दोनों को कितने जो बताओ 74 और 89 को जोड़ के बताओ 13 का 3 और 1 कैरी अब जोड़ो 718 और 8 टोटल कितने हो गए 163 तो दो दिन में उसने कुल कितने ग्रे स्वेटर बेचे 163 डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन टू डेज अब वो बोल रहे हैं मोर रेड स्वेटर अब हमको रेड उसने रेड स्वेटर दोनों दिन में कितने बेचे किसको इसको जोड़ना पड़ेगा इन दोनों को अब ब्लू स्वेटर के लिए किसी को जोड़ना पड़ेगा इन दोनों को ठीक है तो जोड़ो इनको यहीं पे जोड़ लेते हैं जोड़ो 7 8 0 7 8 0 7 8 8 और ये 7 603 9 और 602 8 अब वो बोल रहे हैं कि दोनों दिन में उसने ब्लू बेची ज्यादा कि रेड ब्लू ब्लू ज्यादा 89 तो कौन से ज्यादा बेची ब्लू क्लियर है ठीक है समझ आई